गुड़गांव में कॉल सेंटरों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए गुड़गांव पुलिस ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके साथ ही पुलिस ने दिशा निर्देश न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। बीपीओ में काम कर रही महिला कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के साथ साथ बीपीओ प्रबंधन की भी है। खासकर महिला कर्मचारियों को बीपीओ तक लाने ले जाने की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि महिला कर्मचारियों को बीपीओ से घर ले जाने और घर से बीपीओ लाने वाली कैब के ड्राइवर और साथ में एस्कॉर्ट के रूप में जाने वाले व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए और उनकी पहचान बीपीओ प्रबंधन और पुलिस के पास होनी चाहिए। साथ ही इन्हें बार बार न बदला जाए ताकि महिला कर्मचारी इनके व्यवहार से परिचित हो सके। जो बीपीओ के एम्प्लॉयज को कैरी करते हैं होम एंड बैक टू द कंपनी, अभी उनकी सबकी वेरिफिकेशन करवाई जाए, उनकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन अपने पास भी रखी जाए, पुलिस को भी दी जाए ताकि उनके ऊपर पूरा का पूरा दबाव हो, हमें उनकी आइडेंटिटी पता हो और इन केस अगर वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई की जा सके। गुड़गांव पुलिस के इस नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर कोई महिला कर्मचारी बीपीओ प्रबंधन से इस सिलसिले में कोई शिकायत करती है तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी जानी चाहिए ताकि कार्रवाई की जा सके। इन दिशा निर्देशों के साथ ही पुलिस ने गाइडलाइंस को न मानने वाले बीपीओ प्रबंधकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गुड़गांव से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।